गुजरात के वडोदरा के बरोड़ा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा फास्ट बॉलर ढूंढने के लिए एक खास टैलेंट हंट शो का आयोजन आदित्य बिरला कैपिटल के साथ किया गया है। बरोड़ा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा इन क्वेस्ट ऑफ स्पीड नामक फास्ट बॉलर टैलेंट हंट का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी मुनाफ पटेल जगह जगह जाकर खुद फास्ट बॉलर की तलाश करेंगे। इस खास टैलेंट हंट शो पर पत्रकार परिषद के आयोजन के जरिए जानकारी दी गई। एक्चुअली हम लोग रूरल में जाके फास्ट बॉलर को ढूंढेंगे, और फास्ट बॉलर ऐसे चाहिए कि 140 प्लस डालने वाले चाहिए, बिकॉज एक्साइटमेंट है। आज आप देख रहे हो कि उमरान मलिक डाल रहा है, तो बाकी बॉलर्स ने जो परफॉर्म किया है वो साइड में हो गए, उमरान ही अकेला दिख रहा है। तो मेरा अपना मानना है कि मैं भी जिस तरह रूरल से आया था, स्कोप कम था, तो मैं चाहता हूँ कि उनको ढूंढ के बड़ौदा क्रिकेट एकेडमी में ला के उनको वेल ट्रेन करूँ, अंडर फिजियो, अंडर ट्रेनर, उनको ट्रेनिंग अच्छी दे के हमारी जो रिक्वायरमेंट है स्टेट की भी और IPL की भी और इंडिया की, उसको पूरा कर सके। और उसमें हर जगह जाके हम लोग एक दो दिन या तीन दिन तय करेंगे कि भाई ये दो दिन हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को बुलाएंगे। वो ओपन इनविटेशन है, तो ओपन इनविटेशन में कोई भी आ सकता है, एज लिमिट है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख गया जो वो एज लिमिट के ऊपर भी है उसको भी मैं ले आऊँगा, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा जूनियर लेवल नहीं खेला, उसने उसको किसी ने देखा नहीं, तो उसको अगर देखा तो फिर लाने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एज लिमिट क्या है? 16 से 21 की एज लिमिट है, लेकिन अगर ऊपर का भी लड़का आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें फास्ट बॉलर चाहिए। ऐसे नहीं कि आप आए डाले और चले गए, वो नहीं चाहिए, मुझे जेन्यून फास्ट बॉलर चाहिए। एक्चुअली मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ कि अगर मैं इस छोटे से गाँव से यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक्चुअली बड़ौदा क्रिकेट एकेडमी, जो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की अपनी एकेडमी है, उसमें हम लोग ग्रूम करेंगे, और एक एडवांटेज ये भी है कि बच्चों के पास से ट्रेन होने के कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, बल्कि बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन उनका खर्चा उठाएगा, उनको अच्छी फैसिलिटीज देगा, उनको यहाँ पे बड़ौदा क्रिकेट लीग जो होती है क्लब क्रिकेट, उसमें भी खिलाया जाएगा, और फिर उनको सीधा हम लोग प्रोपेबल्स में डाल सकते हैं। अगर परफॉर्म किया और अच्छे लगे, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, तो फिर उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।